दोस्तों के साथ घूमने गए और 5 दिनों से लापता नवीन भाई अंबेडकर नगर के रवि गुजर का शव खारगर इलाके से लावारिस के तौर पर बरामद हुआ है। पुलिस इसे एक्सीडेंट मान रही है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि रवि के दोस्तों ने ही उसकी हत्या कर दी है। परिजनों ने आज खारगर पुलिस थाने की भूमिका पर सवाल उठाते हुए घेराव किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। देखिए रिपोर्ट। रबाला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई तो वो पुलिस लोग क्या बोले, हम लोग करेंगे, ढूंढेंगे, लेकिन उन लोग ने कुछ सर एक्शन नहीं लिया। खारगर पुलिस थाने के बाहर धरना दे रहे ये लोग नवीन भाई अंबेडकर नगर के रहवासी हैं और रवि हिम्मत लाल गुजर की कथित हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रवि गुजर 5 दिनों पहले अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने गया था लेकिन घर नहीं लौटा और बाद में उसका शव खारगर पुलिस थाना क्षेत्र में लावारिस हालत में मिला है। पुलिस इसे एक्सीडेंट मान रही है। हालांकि मृत रवि गुजर के रिश्तेदारों का आरोप है कि उसके दोस्तों ने ही उसकी हत्या कर दी है। रिश्तेदारों ने रवि का डेड बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया। परिजनों ने कहा कि जब तक रवि के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती वे उसका शव नहीं लेंगे और खारगर पुलिस स्टेशन में ही बैठे रहेंगे। राबड़ा पुलिस चौकी में हम लोग ने राबड़ा पुलिस चौकी में कुछ भी नहीं किया, उन लोग ने एक्शन लिया ही नहीं, वो पुलिस वाले ने एक्शन लिया नहीं, तो हम लोग बोल रहे हम लोग क्या बोल रहे हैं उनको कि हम लोग उसका उसकी पोस्ट मैडम हुए है तो हम लोग उसकी बॉडी को हाथ नहीं लगाएंगे और हम लोग लेंगे नहीं, तो हम लोग बोल रहे हमको प्रूफ चाहिए, हमको तब तक प्रूफ नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। घर पे आके माँ बाप को भी नहीं बताया, ना ही आजू बाजू किसी को बताया, जाके उन लोग ऐसा चुपचाप बैठ गए। हम लोग ढूंढ रहे कि लड़का हमारा किधर गया किधर गया। बुधवार को फिर रबाला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई तो वो पुलिस लोग क्या बोले, हम लोग करेंगे, ढूंढेंगे, लेकिन उन लोग ने कोई सर एक्शन नहीं लिया। खारगर पुलिस स्टेशन के बाजू में उसका बॉडी मिला तब जाके हमको पता चला। खारगर में ये आ नहीं सकता, इसको पता नहीं है खारगर कहाँ है और तुरबा कहाँ है, तुरबा से आगे कभी बढ़ा नहीं। वो अलग एरिया का इंसान, अलग एरिया के इंसान लेके वो साइन कर दिया, पोस्टमार्टम करवा लिया, हमको पता नहीं। जब माँ पहुंची नहीं, भाई पहुंचा नहीं, तुम कैसा पोस्टमार्टम किया, कैसा पोस्टमार्टम किया मैं खुद पूछा, तब वो क्या बोला, माँ जी पोस्टमार्टम किया नहीं, हमको हॉस्पिटल में डॉक्टर बोला पोस्टमार्टम किया, हम बोल रहा बिना साइन का पोस्टमार्टम होएगा कैसा, हमको बताओ कौन किया, कुछ बताया नहीं। बालू ने अभी मालूम पड़ा कि बालू भाले कर पोस्टमार्टम का साइन किया। चोरी करतो, मोबाइल चोरी करतो, घर मध्ये घुसतो, पैसे चोरी करतो, तो आणि परदर आतिम ब्लेड चे वार करतो लोकांना, फक्त आम्हाला न्याय पाहिजे तो बोलून धमकी देतो, बस आम्हाला दुसरे काय नाहीये। प्रत्येकाने लोकांचे मोबाइल चोरी केले, पैसे चोरी केलेत आणि पोलीस लोकांनी गपचे बसलेत। आम्ही पोटेशन गेलो, लय वेळा गेलेले लेडीज म्हणून, पण त्याच्यावरती पडदे टाकलेले, पुलिस और राबड़ा पोटेशन कंप्लीट घेत नहीं है। तो अभी हमारा यही कहना है कि बॉडी का जो पोस्टमार्टम हुआ है, हमको उस बॉडी के पोस्टमार्टम में अगर मर्डर आता है तो वो पोस्टमार्टम हमको एक्सेप्ट है, और नहीं आता है तो हमको न्यू पोस्टमार्टम चाहिए, और उस डॉक्टर पे भी हमको एक्शन लेना है, और जो पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट है हमको उस पुलिस स्टेशन पे भी एक्शन है, क्योंकि पुलिसों ने बहुत देर कर दी है, हमारा कल तक कोई जवाब नहीं लिया। रवि गुजर के रिश्तेदारों की माने तो उन्होंने लापता होने पर रवि गुजर की मिसिंग कंप्लेंट रबाले पुलिस थाने में भी लिखवा दी, लेकिन वहां से कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने घर वालों को बताए बिना पोस्टमार्टम कराने पर भी सवाल उठाया और संबंधित डॉक्टर एवं रवि के दोस्तों की साजिश बताते हुए कार्रवाई की मांग की। इस मामले पर फिलहाल खारगर पुलिस थाने के सीनियर PI संदीपन शिंदे ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। रवि के कुछ परिजन और बंजारा समाज के लोगों ने इस पर उम्मीद जताई कि खारगर पुलिस उन्हें न्याय जरूर देगी। अभी सीनियर साहब से हमने बात किया, संदीप साहब ने गवाही दिया कि 1001% हम आरोपी को पकड़े गए। साहब लोग बोल रहे थे ये एक्शन कैसे, तो मैं साहब के पास मेरे पास उसका क्लिक आयल है, तो मैं साहब को बोला एक्शन केस नहीं है। एक्शन का मतलब क्या होता है, गाड़ी में घसड़ा पिछड़ा ऐसा लगता है, मार लगता है, उसको पत्थर से मारा गया है उसका, ऐसा सीन छोड़। अभी साहब क्या बोल रहा है कि 1000%
हम पे तुम विश्वास रखो, हम इस केस को दबाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो जो आरोपी है उनको एक हज़ार एक टका हम उसको अटक करेंगे, कार्रवाई करेंगे, गुना दाखिल करेंगे, उनको सजा देगी। ये सीनियर साहब ने बोला। अभी हमें बंजार समाज की तरफ से मैं सब भाई बहन को बोलता हूँ कि सीनियर साहब ने आप उनको गवाही दे ला है, अगर आज नहीं हुआ तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।